हाय दोस्तों, नमस्ते. रोहित डोलस हियर एंड टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस और रादर इंट्रोड्यूसिंग ट्रेड विथ मी प्रीमियम सर्विस. तो ट्रेड विथ मी प्रीमियम क्या है, ओके, और क्यों मैं ये सर्विस चालू कर रहा हूँ, प्रीमियम सर्विस, उसके पीछे एक रीज़न है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा. और बहुत वैलिड रीज़न है और बहुत लोगों की सिफारिश या फिर क्या कहते हैं, मुझे जो लोगों ने फीडबैक दिया उससे मुझे लगा कि नहीं, ये हमें करना ज़रूरी है. वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखना है. जैसे आपको पता है दोस्तों कि मेरी जो हमारी जो दो सर्विसेज चल रही है जिसमें हम सब मिलके ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे ट्रेड विथ मी एंड इन्वेस्ट विथ मी. और मैंने मेरा एक अकाउंट क्रिएट किया था वेंचुरा सिक्योरिटीज़ में, जो कि पब्लिक को दिखाने के लिए अकाउंट था, जिसका PNL मैं ओपन सबको दिखा सकूं कि ट्रेडिंग में मेरा कितना रिटर्न हुआ है. तो मेरा जो लास्ट वीडियो उस पर आया था वो ये आया था, हाउ आई मेड 70% रिटर्न इन 6 मंथ्स, ये वाला, ओके. तो ट्रेड विथ मी जो सर्विस मेरी चल रही है, अभी भी चल रही है, उस पर जो ट्रेड्स मैंने लिए, जो मैंने आपके साथ भी वो स्टॉक्स मैंने शेयर किए थे जो मेरे मेंबर्स हैं उनके साथ भी, और मैंने 6 महीने में 70% कमाए. और वो जो अकाउंट है उसमें मैं 5 स्टॉक खाली लेता हूँ ऑल द टाइम. मेरा स्टॉक का जो संख्या है, क्वांटिटी है, वो 5 ही होता है. और 1 लाख से मैंने वो अकाउंट चालू किया था, राइट. और 1 लाख का मेरा 6 महीने में 1,70,000 क्रॉस हुआ. अभी इसका अगला वीडियो भी आएगा कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर 100%. अभी मैंने इसके पहले दिखाया था 4 महीने में, देखो ये वाला 4 मंथ्स में जब मेरा 40% रिटर्न आया था तो मैंने वीडियो दिखाया था, PNL दिखाया था ये वीडियो में, Part 3 में देखिए. फिर Part 5 में मैंने वापस वही अकाउंट, जब 6 महीने में मेरा कितना रिटर्न आया वो मैंने दिखाया, 70% आ गया था. अब मैं 100% क्रॉस होने के बाद दिखाऊंगा. और वो PNL ओपन है, सबके लिए है, उसे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कहीं से भी, आपको वही दिखाई देगा वहाँ पे. एंड बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ पता है दोस्तों, प्रॉब्लम ये हुआ, मैं आपको एक्सेल पे समझाता हूँ, 1 सेकेंड. मैंने एक्सेल पे कुछ एनालॉजी की करके रखा है. अभी ट्रेड विथ मी प्रीमियम और ये नॉर्मल. सो देखो, ट्रेड विथ मी नॉर्मल जो सर्विस है ना, मतलब जो अभी चल रही है, उसमें क्या है कि मैं हर महीने, जैसे मैंने जून से मैं शुरुआत किया उसको पब्लिकली सबको देने के लिए, सो जून से हम लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं. और मैं हर महीना उसमें अराउंड 20 स्टॉक्स के ऊपर ही मैंने अभी तक दिए हैं. एवरी मंथ 20 to 40 स्टॉक्स के रेंज में, मतलब नॉट नेसेसरी कि 40 दूंगा मैं, एंड नॉट नेसेसरी कि मैं 20 दूंगा ही, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बट रफली ऑन एन एवरेज 20 स्टॉक्स के ऊपर मेरा हुआ ही है, एवरी मंथ हुआ है, ओके. और उसके मैंने एक्यूरेसी भी आपको दिखाई कि टारगेट कितने हिट हुए. हालांकि कुछ महीनों के टारगेट्स दो तीन स्टॉक के बाकी है. एक्यूरेसी पूछोगे तो अभी तक 60 to 70% एक्यूरेसी हमको मिली है सिंस जून, ओके. सो स्टॉक्स 10 दे रहा हूँ तो 7 टारगेट हिट कर रहे हैं, 3 टारगेट मिस कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लग रहा है, मिस इन द सेंस टाइम लग रहा है हमको, 2 महीने के जगह पे 4 महीने लग सकते हैं, लग जाते. तो इसमें क्या हो रहा है पता है दोस्तों, अभी 20 स्टॉक्स दिए हैं और अभी जो मेरा ये वाला अकाउंट है, ओके, अगेन कमिंग बैक टू दिस वीडियो, ओके. तो मेरा ट्रेडिंग के 2 अकाउंट है, एक बड़ा अकाउंट है और एक छोटा अकाउंट है जो पब्लिक को दिखाने के लिए मैंने ओपन किया है. आई ऑल्सो हैव अ बिगर अकाउंट विद मोर कैपिटल विच आई कैनॉट शो इन पब्लिक ड्यू टू माई पर्सनल रीजन्स. बट मैंने क्या सोचा कि अभी मैं आपको मेरा बड़ा अकाउंट जो है उसी का एक रेप्लिका बनाऊँ, बट उसको मैं अराउंड 10 लाख से मैं चालू करूँ, ओके. और उसमें नंबर ऑफ स्टॉक कितने होंगे, 10 स्टॉक होंगे, 10 नंबर ऑफ स्टॉक होंगे. अभी ये मैंने क्यों डिसाइड किया, तो इसमें हो क्या रहा था पता है, ये जो यहाँ पे मैंने दिखाया अपने 20 to 40 स्टॉक्स, तो अगर मैं हर महीने 20 to 40 स्टॉक्स दे रहा हूँ इन नॉर्मल ट्रेड विथ मी सर्विस जिसका टारगेट होता है 10%, बट उसमें से मैं 5 स्टॉक खरीदता हूँ, 5 स्टॉक मैंने लिए, जैसे एक मिनट में यहाँ पे ये इंसर्ट, 1 सेकेंड, ये यहाँ पे मैं एक जस्ट इंसर्ट करता हूँ लाइन. अभी जो है सपोज ये प्रीमियम मैं हटाता हूँ, नॉर्मल में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी नॉर्मल सर्विस में ट्रेड विथ मी में मेरे पास 5 स्टॉक होते हैं, मतलब 5 स्लॉट्स है बेसिकली, 5 जगह है, स्टॉक 1, 2, 3, 4, ओके. अभी मैंने 20 स्टॉक्स में से मैंने मेरे 5 स्टॉक ऑलरेडी लिए हुए हैं जो पहले के मंथ के मेरे चल रहे. तो अभी सपोज ये मेरा टारगेट हिट हो गया 25 तारीख को, सपोज मार्च का, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मार्च में मैं अगर 20 स्टॉक्स दिया है मैंने, तो उसमें से मैंने 1 स्टॉक मैं मेरे लिए भी लिया, और अगर 5 के 5 मैं उसी महीने में टारगेट हिट हो रहे तो मैं 5 के 5 स्टॉक इसी 20 स्टॉक में से लूंगा जो आपको मैंने दिया है ना. आउट ऑफ दिस 20 स्टॉक ओनली आई विल पिक माई 5 स्टॉक्स, ओके, बिकॉज वी ऑल आर ट्रेडिंग टुगेदर. तो मैं यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक देने का कारण भी ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़्यादा स्टॉक्स की आदत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग 10% के लिए नहीं रुकते, 3-4% में लोग चले जाते हैं, एंड देन दे वांट न्यू स्टॉक टू यू नो गेट इनटू. एक और कारण ये भी है क्योंकि ट्रेड विथ मी में एवरी मंथ नए लोग ज्वाइन होते रहते हैं, देर आर न्यू ज्वाइनिज हु ज्वाइन एवरी मंथ. तो अगर सोचो नया सर्विस ज्वाइन किया, आपने पैसे दिए हैं और आपको 30 डेज तक या पता नहीं 2 महीने तक आपको एक भी स्टॉक नहीं मैं दे रहा हूँ,
और ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर मेरा कोई टारगेट हिट हो ही नहीं रहा है तो मैं नया स्टॉक नहीं दूंगा प्रीमियम में, बिकॉज मैं खरीद ही नहीं रहा हूँ कोई नया स्टॉक, मेरे चारों पांचों स्टॉक अटके पड़े, तो मैं कैसे उसको नया स्टॉक दूँ। तो इसीलिए नॉर्मल सर्विस में ज़्यादा स्टॉक इसीलिए देने पड़ते हैं, बिकॉज वहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि मैंने लिया हुआ ही स्टॉक वहाँ पे दिया जाता है। जो भी स्टॉक एनालिसिस करके मुझे ऐसा लगता है 10% रिटर्न यहाँ से दे सकता है, वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये एक और रीज़न है कि क्यों डायरेक्टली सिर्फ प्रीमियम नहीं हम लोग कर रहे, या फिर उस समय क्यों नहीं चालू किया था। ओके, तो आपको ये दो रीजंस आपको पता चल गए होंगे। एक तो जल्दी निकलने वाले भी लोग होते हैं, उसमें से कुछ लोग इंट्राडे करते हैं या एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एक दिन दो दिन रुक के चले जाते हैं, या 10% के लिए रुकते नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ज़्यादा भी रुकते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं 10% से भी ज़्यादा भी रुकते हैं। सो एनी वे, सो आई होप आपको पता चल गया रहेगा कि यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक्स क्यों हम लोग देते हैं। ओके, और यहाँ पे कम स्टॉक क्यों दे रहे हैं, जीरो स्टॉक भी यहाँ पे हो सकता है, दो दो महीना यहाँ पे एक भी नया स्टॉक नहीं मिलेगा आपको, ऐसा भी हो सकता है। अगर टारगेट ही हिट नहीं हुआ तो मैं नया स्टॉक अपने जेब से निकाल के तो नहीं देने वाला, अगर मैं नहीं खरीद रहा हूँ तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, इट इज सिंपल। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ। तो हुआ क्या, जब मेरा ये 6 महीने में मुझे 70% रिटर्न जब मिला, तो बहुत सारे लोग जो ट्रेड विथ मी में थे उसमें से कुछ लोगों को 70% रिटर्न मिला और अराउंड 60% लोगों को 70% रिटर्न नहीं मिला। 60-70% लोगों को 70% रिटर्न नहीं मिला बिकॉज उन्होंने एग्जैक्टली सेम स्टॉक ट्रेड नहीं किए थे जो मैंने ट्रेड किए थे, राइट। बट ये जितने भी मैंने 20 स्टॉक दिए हैं ना, वो सारे के सारे स्टॉक मैंने एनालिसिस करके ही दिए होते हैं, बिकॉज मेरा खाली 1 लाख का कैपिटल है वो सैंपल अकाउंट में, और खाली 5 ही शेयर्स में उसमें लेता हूँ। तो बट ऑब्वियसली मैं 20 शेयर 1 लाख में मैं नहीं ले सकता ना, राइट। तो मैं लेकिन उसी ब्रैकेट में से ही मैं अपने 5 शेयर उठा रहा था, तो वैसा चल रहा था। तो हुआ क्या, अगर मैंने 5 जो शेयर लिए हैं या लेते रहता हूँ, जैसे जैसे एक एक जगह खाली होती है जो नया शेयर मैं लेता हूँ, तो लोगों को वो पता नहीं चलता उसमें, और लोग उसमें फिर वो शेयर अगर उन्होंने नहीं लिया है तो हुआ क्या, किसी को 70% के बदले में 30% ही मिला 6 महीने में, किसी को 40% ही मिला, किसी को 50% ही मिला, ओके, किसी को 25% ही मिला 6 महीने में रिटर्न। अभी मैंने तो सबको स्टॉक सेम ही दिए हैं और मैंने भी उसी 20 में से ही स्टॉक मैंने उठाए, ऐसा मैंने नहीं किया। ये आप कहीं से भी क्रॉस वेरीफाई मेरे से भी कर सकते हो कि मैंने आपको स्टॉक दिया अलग और मैंने खुद के लिए अलग स्टॉक लिया, ऐसा कभी नहीं किया, ना कभी ऐसा मैं करूँगा ट्रेड विथ मी नॉर्मल में। तो इससे इस चीज़ का जन्म हुआ, इस चीज़ का, ट्रेड विथ मी प्रीमियम का। तो ट्रेड विथ मी प्रीमियम में अभी क्या होगा, प्रीमियम सर्विस जो मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ, उसका मेन पर्पस क्या है पता है आपको, उसका मेन पर्पस ये है कि अगर आप सिर्फ मेरे ही स्टॉक ट्रेड करोगे, ओके, तो आपका और मेरा रिटर्न हमेशा सेम आएगा। मतलब अगर मैंने आगे जाके, मतलब अभी मैं चालू करने वाला हूँ इन मार्च, मोस्ट प्रोबेबली इन मार्च मैं चालू करूँगा, मार्च के फर्स्ट वीक से शायद ये चालू कर रहा हूँ मैं। तो जिनको ज्वाइन होना है तुरंत मुझे फ़ोन करना है, स्क्रीन पे नंबर है, और मुझे ज्वाइन करना है, इसकी चार्जेस पूछनी है और ज्वाइन हो जाना है। प्लस जो ऑलरेडी ट्रेड विथ मी नॉर्मल में है वो अपग्रेड भी कर सकते हैं प्रीमियम में, और जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं जो डायरेक्ट प्रीमियम ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे हमेशा आपका और मेरा रिटर्न सेम रहेगा। अगर आप प्रीमियम स्टॉक जो मतलब मैंने जो स्टॉक लिए हुए सिर्फ वही अगर आप ट्रेड करोगे तो। बट इसमें और एक चीज़ ऐसा है कि जो प्रीमियम मेंबर होगा उसको नॉर्मल की मेंबरशिप बाय डिफॉल्ट मिलने वाली है, बट उसको प्रीमियम स्टॉक पता चलेगा कि एक्चुअली मैंने कौन सा स्टॉक लिया है। तो अभी मैं ये मार्च में चालू कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इन मार्च में ही चालू कर रहा हूँ मैं, बिकॉज अभी मार्केट जो लेवल पे है बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ से एक नया ट्रेंड मार्केट ले सकता है आगे चल के, और ये बेस्ट टाइम है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी जो प्रीमियम सर्विस मैं चालू करूँगा उसमें से मैं खुद पब्लिक को दिखाने के लिए जो मेरा वेंचुरा का अकाउंट है जो ऑलरेडी 1 लाख का मैं कर रहा हूँ उसको तो 2 लाख तो मैं करूँगा ही, जब तक वो 2 लाख नहीं होता उसको तो मैं चलाऊँगा, बट मैं अलग से एक अकाउंट या फिर उसी अकाउंट में अलग से 10 लाख डाल के अलग से 10 स्टॉक्स मैं लूँगा जो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को दिखेंगे। पहले 10 स्टॉक्स जो फर्स्ट मंथ में मैं लूँगा, हर एक स्टॉक में मैं 1 लाख के आसपास मैं इन्वेस्ट करूँगा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, बट अराउंड 10 लाख के आसपास मैं पूरा इन्वेस्ट करूँगा, ओके। और उसके बाद से क्या होगा, सपोज मैंने मार्च में मैंने चालू किया, 10 स्टॉक्स मैंने इन्वेस्ट कर दिए, 10 लाख का मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया पब्लिक को दिखाने के लिए जो मेरे बड़े अकाउंट से मिलता जुलता होगा, हालांकि 5 में टारगेट कम हिट होते हैं, 10 में ज़्यादा होंगे, और 1-1 लाख रुपया मैं इसमें डाल के अराउंड 10 लाख का मैं बनाऊंगा, और ये भी अकाउंट मैं पब्लिकली दिखाऊंगा, ओके। और वो 1 लाख का अकाउंट 2 लाख हो जाने के बाद शायद मैं उसको बंद कर दूँ और ये मेरा प्रीमियम अकाउंट मैं पब्लिक को दिखाने के लिए फिर यही रखूँ, मतलब वही मेरा अकाउंट होगा। अभी इसमें होगा क्या, जो मार्च में मेरे साथ इसमें ज्वाइन होंगे, ओके, जो पहले 10 स्टॉक है वो उनको प्रीमियम स्टॉक उनको मिलेंगे, ओके, जो मैं नॉर्मल में नहीं दूंगा, सिर्फ शुरुआत में नहीं दूंगा, ओके, बट उसके आगे से मेरा हर एक स्टॉक प्रीमियम मेंबर को मिलेगा और नॉर्मल मेंबर को भी मिलेगा, बट नॉर्मल मेंबर को सिर्फ ये समझेगा नहीं कि ये प्रीमियम स्टॉक है या नॉर्मल स्टॉक है, समझ में आया। जैसे देखो मैंने ये 10 स्लॉट से 10 स्टॉक का मेरा ब्रैकेट होगा, पहला स्टॉक सपोज एक
एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज रिलायंस था पहला स्टॉक, ओके रिलायंस मैंने लिया था मार्च में, और मार्च में ही उसका 10% का टारगेट हिट हुआ। अपन कितने टारगेट के लिए खेल रहे हैं यहाँ पे, 10% के, 10% टारगेट हिट हो गया मेरा, सपोज 10 to 12, 15, कभी थोड़ा ज़्यादा भी रखता हूँ मैं टारगेट, और 25 तारीख को मार्च में टारगेट हिट हो गया, तो मैं क्या करूँगा फिर, अभी ये स्लॉट मेरा खाली हो गया, ओके स्लॉट वन मेरा हो गया अभी खाली, राइट, डिलीट करता हूँ इसको, तो अभी एक जगह खाली है ना, ऑल द टाइम मेरे पास 10 स्टॉक होने चाहिए, क्या कह रहा हूँ मैं, ऑल द टाइम मेरे पास 10 स्टॉक ही होंगे, ना कम ना ज़्यादा। जैसे ऑल द टाइम अभी मेरे पास जो 1 लाख का मैं कर रहा था, ऑल द टाइम मेरे पास 5 स्टॉक होते हैं, तो अभी एक स्टॉक का जगह खाली हो गया, तो इसको ये जगह को मेरे को भरना है, तो अभी मैं 25 तारीख को एक नया स्टॉक लूंगा, सपोज मैंने 1 लाख का मैंने यहाँ पे रिलायंस का शेयर लिया था, तो अभी मैंने उसको एग्जिट किया 10% के साथ, मेरा प्रॉफिट के साथ मेरा अमाउंट कितना होगा, 1,10,000 होगा, बराबर ना, 1 लाख का 10%, 1,10,000 मेरा हुआ अमाउंट। अभी ये 1,10,000 का मैं 25 तारीख को नया स्टॉक खरीदूंगा, सपोज वो स्टॉक होगा TCS, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मैं नहीं खरीदने वाला हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो TCS जो होगा ना, वो TCS प्रीमियम मेंबर को भी मिलेगा, और नॉर्मल में भी मैं ये जो उस महीने में अगर मैं मार्च में 20 स्टॉक्स दूंगा, तो उस 20 में TCS भी होगा, बट प्रीमियम मेंबर को पता चलेगा कि ये TCS प्रीमियम स्टॉक है। अगर उसमें मैंने 20 स्टॉक्स दिए हैं, तो 20 में से TCS प्रीमियम स्टॉक है, क्योंकि TCS सर ने भी खरीदा है, ओके तो उससे क्या होगा, बाकी लोगों का रिटर्न और मेरा रिटर्न, अगर मैं आगे 6 महीने में वापस से अगर 70% रिटर्न कमाऊंगा ही, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट शायद ज़्यादा भी कमाओ या थोड़ा कम भी कमाओ, बट जितना मैंने पहले कमाया अगर उतना भी कंसीडर किया, 6 महीने में अगर मैंने वापस से 70% कमाया, और जो प्रीमियम मेंबर है जिसको दोनों स्टॉक दिखने वाले, नॉर्मल भी और प्रीमियम भी, और अगर उसने खाली प्रीमियम स्टॉक ही ट्रेड किए, तो उसका भी रिटर्न बाय डिफॉल्ट 6 महीने में 70% ही आएगा, मतलब उसका रिटर्न भी मेरे जितना आएगा, उसका टाइम पीरियड भी मेरे जितना ही रहेगा। अगर मुझे 6 महीने में 70% मिला, तो उसको भी 6 महीने में 70% मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसको 70% मिला बाद में। हाँ, अगर वो प्रीमियम मेंबर होके नॉर्मल स्टॉक्स भी ट्रेड करना चाह रहा है, तो वो उसकी मर्जी है, तो उसको दैट इज हिज लुकआउट, मतलब उसको वो फ्रीडम है। वो अगर 10 स्टॉक ये लेके रखा है उसने, और भी ये 10 में से भी उसने 2-3 स्टॉक लिए है, तो भी चलेगा, बट फिर उसमें रिटर्न कम ज़्यादा होगा, क्या पता शायद ज़्यादा भी मिले उसे, ऐसा भी हो सकता है, हु नोस, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो 20 स्टॉक्स मैं दूंगा, मिनिमम 20 तो मैं अभी तक दिया हूँ हर महीना, वो सारे के सारे स्टॉक स्टडी करके ही दिए हैं, उसमें से एक भी स्टॉक ऐसा मैं फालतू नहीं देता, चाहे मैं वो स्टॉक लूँ या नहीं लूँ, मतलब मैं हर एक स्टॉक वैसा ही स्टडी करके देता हूँ कि जैसे मैं इसको लेने वाला हूँ, क्या मैं उसको लूँगा क्या, राइट। तो अभी इसमें क्या हो सकता है, ट्रेड विथ मी नॉर्मल में एवरी मंथ आपको अराउंड 20 के आसपास स्टॉक मिल ही जाते हैं, कैसे भी करके अभी तक तो मिले ही है, और आगे भी मिलते रहेंगे ऐसा मेरा मानना है, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही खराब मार्केट है कि मेरे को एक भी स्टॉक देने का मन नहीं कर रहा है, 5-6 स्टॉक ही मैंने दिए, बट वैसा आई डोंट थिंक। हाँ, बट प्रीमियम जो है उसमें स्टॉक तभी ही मिलेगा जब कोई जगह खाली होगी। अभी ये मैं मिटा देता हूँ, अगर ऐसा हुआ सपोज, इसलिए मैंने क्या डाला है, नॉर्मल में 20 to 40 स्टॉक्स इन अ मंथ, प्रीमियम में 0 to 10 स्टॉक, जीरो मतलब जीरो भी मिल सकता है, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको पूरा महीना, ऐसा भी हो सकता है। सपोज 10 स्टॉक मैंने लिए है, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, व्हाटएवर, जो भी 10 स्टॉक मैंने, इधर वन डाल देता हूँ, 10 स्टॉक मैंने लिए है, और अप्रैल मार्च में हमने 10 स्टॉक लिए, और मार्च में अप्रैल में एक भी स्टॉक का टारगेट हिट नहीं हुआ, तो प्रीमियम कैटेगरी में आपको एक भी नया स्टॉक नहीं मिलेगा। फिर मई में अगर कोई टारगेट हिट होता है, ओके मई टारगेट, अगर मई में कोई टारगेट हिट होता है, सपोज ये तीसरा वाला जो स्टॉक अपना था, सपोज वो था इन्फोसिस, ओके इन्फोसिस ओके इन्फी जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्फोसिस का अगर टारगेट हिट हो गया 20th मई को, तो इस दिन आपको प्रीमियम कैटेगरी में एक नया स्टॉक मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जगह खाली हो गई अभी, तो ये जगह को भरना है। ओके इसमें हम लोग ने अगर 1 लाख डाला था, तो अभी वो विथ प्रॉफिट 1,10,000 अपने को मिल गया, तो ये 1,10,000 हमको री इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, राइट। तो फिर 20th को मैं दूंगा, सपोज लार्सन एंड टर्बो LNT, ओके LNT लिख देता हूँ, सपोज मैंने LNT दिया, एग्जाम्पल दे रहा, तो ये LNT जो 20 तारीख को मैं दूंगा, वो प्रीमियम में भी दूंगा मैं, और नॉर्मल में भी दूंगा। हाँ, ये दो अलग अलग ग्रुप होंगे, प्रीमियम मेंबर दोनों ग्रुप में ऐड रहेगा, और नॉर्मल मेंबर सिर्फ नॉर्मल में ही रहेगा। उसको ये LNT तो मिलेगा, पर उसको ये पता नहीं चलेगा, LNT के साथ उसको और भी स्टॉक्स मिलेंगे। जैसे मैंने अगर 20 तारीख को मैंने LNT दिया, बट 20 तारीख को मैंने LNT के साथ मैंने क्या कहते हैं एक्सिस बैंक भी दिया, LNT के साथ मैंने HDFC भी दिया है, बट ये 3 स्टॉक मैंने दिए हैं नॉर्मल ग्रुप में, उसमें से प्रीमियम कौन सा है वो उसको नहीं समझेगा। प्रीमियम मतलब सिर्फ इतना ही दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सिस बैंक टारगेट हिट नहीं करेगा, HDFC टारगेट हिट नहीं करेगा, क्या पता वो LNT के पहले टारगेट हिट करे। प्रीमियम का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो स्टॉक मैंने खरीदा है, दैट्स इट, ओके। और प्रीमियम ग्रुप में मैं
उसका स्क्रीनशॉट भी हो सके तो डालूंगा, मैंने खरीदा कौन से प्राइस पे क्या क्वांटिटी। प्राइस तो वैसे भी मैं बताने वाला हूँ, बाइंग प्राइस मैं बताऊंगा ही ना कौन से प्राइस पे लेना है इसको, ओके। बट मैं खरीदूंगा उसका एज अ प्रूफ, मैं स्क्रीनशॉट भी डालूंगा, या तो वैसे भी मैं प्रूफ आपको वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ, नॉट ओनली फॉर प्रीमियम मेंबर बट पूरे दुनिया को, बिकॉज ये 10 लाख का अकाउंट जो मैं क्रिएट करूंगा वो भी पब्लिक अकाउंट ही होने वाला है, वो उसको कोई भी देख सकता है। इनफैक्ट मैं ही उसको दिखाऊंगा हर 3 महीने में क्या हुआ उसका, हर 2 महीने में, मतलब जैसे मुझे टाइम मिले, जैसे मुझे सही टाइम लगे दिखाने का, बट जरूर दिखाऊंगा। जैसे ये भी मैंने बोला कि देखो मैंने अभी इसको 40% रिटर्न पे दिखाया, 70% पे दिखाया, अभी मैं 80 पे दिखाऊं, 90 पे दिखाऊं, उससे अच्छा मैं सीधा 100 क्रॉस करने के बाद दिखाऊंगा कि अभी 100 क्रॉस हो गया, कितने महीने में पैसा डबल हुआ, राइट। 6 मंथ जर्नी मैंने इधर भी दिखाई थी, ये भी आप देख सकते हो, 6 महीना लास्ट मंथ मैंने ये वीडियो बनाया था, 6 महीने की जर्नी दिखाई थी जिसमें इसकी बात मैंने की है नॉर्मल में, ओके। प्रीमियम की बात, क्योंकि प्रीमियम अभी तक शुरू ही नहीं किया मैंने पब्लिक के लिए, जो अभी मैं करने जा रहा हूँ। सो फटाफट आपको कॉल करना है मुझे, बिकॉज मैं ये किसी भी वक्त चालू कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट इतने सही जगह पे अभी है ना कि ये मार्च के फर्स्ट वीक में भी मैं चालू करूंगा, या थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, बट आप रुकिए मत। ऑलरेडी मेरे पास लोगों ने पैसे पे कर दिए, जो मेरा पुराने स्टूडेंट्स है या फिर जो जिनको इस चीज़ के बारे में पहले भी पता है, पहले से पता था रादर, पता है जिनको मैंने बताया था, उनका तो ऑलरेडी फीस आ चुका है, वो दे आर ऑलरेडी रेडी, कैपिटल के साथ रेडी बैठे हो लोग, सर कभी चालू करना है बताओ खाली, राइट। तो आप मिस मत करना, बिकॉज प्रीमियम में एक ही एडवांटेज आपको मिलेगा, ऑल द टाइम हमारा सबका रिटर्न सेम रहेगा, तो बाद में ये मत कंप्लेंट करना सर आपको तो ज़्यादा रिटर्न मिला, हमको तो कम मिला। तो आप मैं जो कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही करो, सेम टू सेम रिटर्न, सेम टू सेम टाइम, सेम टू सेम टाइम में सेम टू सेम रिटर्न। मुझे अगर 6 महीने में आगे जाके वापस से 70% मिला, आपको भी मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम आपने ट्रेड किया है, सेम स्टॉक, सब कुछ सेम, राइट। 6 मंथ जर्नी भी आपको देखना है, देख लो, नॉर्मल भी सर्विस अच्छा है, नॉर्मल ज्वाइन करना है, नॉर्मल भी अभी भी ओपन है, ज्वाइन कर सकते हो, प्रीमियम तो बेस्ट है, इसमें तो आपको कंप्लेंट का चांस ही नहीं है, मतलब सब कुछ सेम है, आपका मेरा अकाउंट जैसे रेप्लिका है ऐसा समझ लो, सेम अकाउंट होगा आपका भी मेरा भी, कोई फर्क ही नहीं होगा उसमें, राइट। एंड ये भी देखो मैंने बहुत अच्छा ये बजट का बताया था, एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है, आपने देखा होगा बजट के बाद मार्केट क्रैश होने वाला था, इसमें मैंने बताया था, और आप देख रहे हो मार्केट नीचे ही आ रहा है। सो मार्च में चालू करने का मेरा निर्णय है, लेट्स सी, आई होप फॉर द बेस्ट कि ये मार्च के फर्स्ट वीक में ही चालू हो जाए। सो इसलिए मैंने आज वीडियो बनाया, वैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 तारीख को, विच इज़ अ संडे, बट आई थिंक मैं आज इसको पब्लिश शायद नहीं कर पाऊँ, लेट्स सी, अगर होगा तो ये वीक में मैं आपको ये वीडियो आपको आप देख रहे होंगे। एंड आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको कॉल करना है, प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है ट्रेड विथ मी की, बस फिर मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। और जो ऑलरेडी नॉर्मल सर्विस में ज्वाइंट है, उनको अगर ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना है, नॉर्मल से प्रीमियम में शिफ्ट होना है, तो वो प्रीमियम में भी शिफ्ट हो सकते हैं, उनको दोनों चीज़ों का उधर लाभ मिलेगा, प्रीमियम के स्टॉक्स भी उनको समझेंगे और नॉर्मल के भी, और बाद में प्रीमियम का क्या हुआ आगे चल के मैं उसका भी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि मैंने प्रीमियम मतलब मैं ऐसा समझ लो कि मैंने कितना कमाया। एग्जैक्टली वही स्टॉक्स अगर आप प्रीमियम में होंगे तो आप वो स्टॉक्स एग्जैक्टली सेम ट्रेड कर सकते हो, वही करने चाहिए, ऐसा मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट अगर वही आपने ट्रेड किया तो सेम रिटर्न आपको मिलने वाला है, इट इज़ ऑब्वियस, राइट। बट आप नॉर्मल में के स्टॉक्स भी, मोर देन 10 स्टॉक्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, बिकॉज प्रीमियम मेंबर को कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि 0 स्टॉक मिले, जैसे मैंने बताया अगर एक भी टारगेट उस महीने में हिट नहीं होगा तो उसको एटलीस्ट नॉर्मल में के स्टॉक्स भी उसको दिखाई देंगे, तो उसमें वो कुछ ट्रेड कर सकता है। बट मैं सिस्टमेटिकली चलता हूँ, आगे भी वैसे ही चलूंगा, तो अगर मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ तो मैं फालतू का और एक 11वां स्टॉक नहीं खरीदूंगा, ऑल द टाइम मेरे पास 10 स्टॉक ही होंगे, 10 में से जैसे जैसे जगह खाली होती जाएगी वैसे वैसे नया नया स्टॉक वहाँ पे भरते जाऊँगा मैं, और आपको दिखाऊंगा फिर मेरा 10 लाख का कैपिटल 6 महीने में कितना हुआ है कि नहीं, जैसे मैंने ये 1 लाख का दिखाया 6 महीने में कितना हुआ, अभी और भी दिखाऊंगा आगे 100% के बाद, शायद मैं इसको बंद कर दूँ फिर मैं यही कंटिन्यू करूँ 10 लाख का एज माई स्मॉल अकाउंट, राइट। सो दैट वॉज इट, आई होप आपको समझ में आया है, और अगर नहीं आया समझ में तो मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ दोस्तों, मेरा नंबर है, मेरा कोई PA नहीं है जो फ़ोन उठा के बोलेगा सर बिजी है, यू कैन जस्ट कॉल, टॉक टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, जो भी डाउट है सब कुछ मैं आपको सॉल्व करके कॉल पे दे दूंगा, बट आपको फ़ोन करना है मुझे, ओके, डोंट मैसेज मी, कॉल मी, बिकॉज ये कॉल पे समझाने वाली चीज़ें होती है बहुत सारी, इसमें जो मैसेज में कुछ लोग फ़ोन करके सिर्फ पूछते सर फी कितना है, ऐसा नहीं होता दोस्तों, फीस कितना है सिर्फ मैसेज करने से फ़ी मैं नहीं बताता, आपको पहले समझना है कि उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपकी फ़ीस कितने जल्दी रिकवर होती है, इसमें कैसे होती है, हम लोग वॉट आर वी गेटिंग इन टू, यू नो यू शुड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, बिकॉज ये कोई ऐसी सर्विस नहीं है कि टेलीग्राम चैनल की कि रोज के आपको 50 स्टॉक मिलेंगे इंट्राडे में, बाय सेल निफ्टी बैंक निफ्टी, ये नहीं, ये बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही सीरियसनेस से, और इसका पूरा आपको प्रोसेस समझना है, उसके बाद आपको समझेगा कि क्या आप करने वाले हो और इसका पोटेंशियल कितना बड़ा है, और वो समझाने का मौका आप मुझे दो, इसलिए आप मुझे कॉल करिए और सब कुछ अच्छे से समझिए, बिकॉज आपका भी पैसा कोई मतलब उड़ के नहीं आया आपके पास, यू नो यू हैव वर्क हार्ड फॉर इट, सो यू शुड आस्क मी द राइट क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर देम।
एंड उसके बाद हम उसका फीस भी आपको बताएंगे, और आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। लेट मत करना, एक्चुअली मुझे थोड़ा लेट हुआ है टू बी फ्रैंक विथ यू टू रिलीज दिस वीडियो। शायद मैं ये 15 दिन पहले मैं करने वाला था, बट रह गया कुछ रीज़न के वजह से, बट अभी भी टाइम गया नहीं है। बट येस, इट इज़ द 11th आवर, अभी लास्ट मोमेंट आ चुका है। बहुत रेयर चांस है ऐसा कि शायद मैं फेब में ही चालू कर दूँ उसको, बट हो सकता है वो भी। मैं मार्च के लिए अभी नहीं रुकूँ, बिकॉज डिपेंड्स ऑन मार्केट। अगर मुझे बहुत अच्छा लेवल मिलता है नीचे तो आई जस्ट गो अहेड, बिकॉज ऑलरेडी इसमें एडमिशन्स आ चुकी है। ओके, ऑलरेडी इसमें एडमिशन्स आ चुके हैं। बाकी लोग जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो बाकी ज्वाइन करते रहेंगे मार्च में। हाँ, बट शुरुआत से अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। बाद में आप ज्वाइन करोगे तो आपको फिर प्रीमियम में फिर पहले 10 स्टॉक्स तो आपके ऑलरेडी छूट चुके होंगे। फिर जैसे जैसे जगह खाली होगी वैसे वैसे एक एक स्टॉक आपको मिलते रहेगा, एक एक दो दो, मतलब जिस महीने में। जैसे अप्रैल में अगर ये टारगेट हिट हो गया 1, 2, 3, 4, ये अगर चार टारगेट हिट हो गए तो अप्रैल में फिर चार ही स्टॉक मिलेंगे। बट आप मार्च से ज्वाइन करो तो स्टार्टिंग 10 से होगा, तो वी ऑल बी इन द सेम बोट, वील बी सेलिंग इन द सेम बोट, तो रिटर्न सेम होगा। तो डेफिनेटली ज्वाइन करना, ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व अभी, तो आपको कम ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा, जो मैं कमा रहा हूँ सेम आपको मिल सकता है। अगेन, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी मैं यहाँ पे दावा नहीं कर रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट ही होगा या इतना ही रिटर्न मिलेगा। ये दावा मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर मुझे प्रॉफिट हुआ प्रीमियम में तो आपको भी होगा, मुझे ही नहीं हुआ तो आपको भी नहीं होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बिकॉज इट विल बी लाइक अ रेप्लिका ऑफ अ अकाउंट जो मेरा है। वो आपको सेम स्टॉक अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज एक स्टॉक अगर 10% ऊपर मेरे लिए जाता है तो आपके लिए भी जाएगा ही, राइट। एनीवेज, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड ईयर अहेड एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। फोन करिए एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। टेक केयर, बाय।